आज इस गाड़ी में गाड़ी के बारे में बताएंगे। इस गाड़ी बहुत धुआं मार रहा है, जो कि इसका प्रॉब्लम क्या है अभी इसमें चेक करेंगे और फिल्टर वगैरह सफ़ा करेंगे, फिर देखेंगे। चलिए आइए। यहाँ पर देखिए, मशीन को स्टार्ट किया जा रहा है और स्टार्ट करने के बाद इसमें धुआं कैसे आता है देखिए। साइलेंसर पे हम फोकस करके रखें, ये देखो साइलेंसर कितना धुआं आ रहा है। और इसके लिए हम फिल्टर वगैरह चेंज करेंगे। लोडर उठाओ, लोडर उठाओ। और यहाँ पर देखिए, फिल्टर जो है अपने आप ऊपर में उठ रहा है भाई साहब। इसका फिल्टर पूरा जाम हो चुका है, फिल्टर यानी ये जो है, और उस साइड में एक प्लेट पर देखिए। यहाँ पर इस फिल्टर को सफ़ा करेंगे और उस तरफ जाके अभी खोलते हैं। 18-19 पहले इसको खोल लेते हैं। इस सब खोलने का मतलब यही है कि जो भी डीजल फिल्टर है सब हम सफा करके चेक करेंगे, सफेद धुआं निकलता है कि नहीं। ये देखिए, ये बस सफा हो गया, इसको फिट कर लेंगे, क्लीन कर लिया है। फिर अभी इसको सफा करना है। इसको सफा करने के लिए देखिए, इसको भी मोड़ के खोलना होता है। इसको खोलने के बाद यहाँ पर देखिए कचरा जमा हुआ है, इन सबको क्लीन करने के लिए ये भी खोलना पड़ेगा। फिर हम खोल देते हैं।
लाइक कर दें आज चैनल के लिए जिन लोगों ने तक इस टावर चैनल के लिए सब्सक्राइब करें पास बेल आइकन ऑन कर दें तो दोनों बच्चों के लिए हाफिज़। दोस्तों अभी देखिए मेरा फिटिंग सब खत्म हो चुका है और अभी हम उस साइड से पंप मरेंगे जो फीड पंप होता है। फीड पंप मरने के बाद ये जो छेद हमने ये जो पाइप खोल के रखा है यहाँ पर पाइप फिल्टर में लगा हुआ है इसमें डीजल आना चाहिए पूरा उस तरफ के फिल्टर दोनों भर के आना चाहिए और ये भी भरना चाहिए। ये तीनों भरने के बाद इसमें डीजल निकलेगा फिर इसको लगा के स्टार्ट कर लेना है। दोस्तों देखिए हम यहाँ पर पंप मरना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पंप मर के इस तरफ इसमें डीजल भरना है सबसे पहले ये वाला में और उसके बाद इसमें डीजल आएगा इसमें भरने के बाद उस तरफ चला जाएगा फिर आपको वीडियो में दिखाते हैं पंप मर के। चलिए मैं उस तरफ जाके दिखाता हूँ उसमें डीजल आ रहा है कि नहीं। अभी तक नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए डीजल आना शुरू हो गया ये देखिए आराम से डीजल आ रहा है। चलो रुको 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 फिर इसको लगा देते हैं हम। चलो हाँ चलो हो गया स्टार्ट करो। कुछ समय रेस आरपीएम डालना है उसके बाद अपने आप धुआं बंद हो जाएगा। ये देखिए धुआं धीरे धीरे से बंद हो रहा है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही है। धुआं पूरा बंद हो चुका है और आपको भी ऐसा करना है। दोस्तों देखिए ये मशीन का पूरा धुआं भी बंद हो चुका है और आपका मशीन ऐसे धुआं दे रहा है तो डीजल फिल्टर सब सफ़ा कर लेना है फिर स्टार्ट करके थोड़ी देर आराम से आरपीएम लगाना है और उसके बाद आपको चेक करना है धुआं आराम से बंद हो जाएगा।